भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव। नगरीय निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच वार्ड 8 से प्रशांत पटेल जी के यहाँ से मम्मी की दावेदारी की खबरें सामने आ रही है। प्रशांत पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूछते हैं इस बारे में वे क्या कहेंगे। मैं प्रशांत पटेल भारतीय जनता पार्टी का बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। मैं बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ और मैं वार्ड क्रमांक 8 से महिला सीट आई है तो मेरी माता श्री तिलोत्तमा पटेल जी की दावेदारी पेश करता हूँ। और वार्ड क्रमांक नंबर 8 से जो भी काम है सब काम को मैं सफलतापूर्वक कराऊँगा, इसकी जवाबदारी भी लेता हूँ। और इस बार महिला सीट भारत। अभी तक आप लंबे समय से भाजपा युवा मोर्चा में सक्रिय हैं, आपने वार्ड की क्या समस्याएं उठाई हैं और किन समस्याओं का निराकरण कराया है? मैंने बहुत सी समस्याएं उठाई है, किसी के लिए भी कोई ने रात को फ़ोन भी लगाया तो उसके लिए भी समस्याएं जो भी चीज़ बनी है करा है। अच्छा, और भविष्य में वार्ड के विकास के लिए आपकी क्या योजना है? भविष्य में वार्ड के विकास के लिए बहुत योजनाएँ हैं जो बताना भी अब संभव नहीं है जी, और जो बनेगा वार्ड के लिए पूरी जवाबदारी के साथ करेंगे। तो भाजपा टिकट देगी तो ही चुनाव लड़ेंगे या? भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी ही तो ही चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, और चुनाव को लेकर आपने क्या तैयारी शुरू कर दी है? चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी। क्या तैयारियाँ? तैयारियाँ सब चालू है। अच्छा, लोगों से मिलना जुलना? लोगों से मिलना जुलना। अच्छा, लोगों से बातचीत करना, लोगों से पूछ के, और चुनाव अपन पूरे पूछ के ही चुनाव लड़ेंगे। लोगों का क्या कहना पड़ रहा है? लोगों का कहना ही आप चुनाव लड़ो 8 नंबर से जी, हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।